ने जिस दिन किया मुझे खाली बैठे यूं ही बेवजह डिस। तो कैसे हो बनटेक की पब्लिक, तो क्या एक बार फिर से जादू और किंग की बैंड बजने वाली है, क्योंकि अभी किंग ने अपने एक एल्बम के अंदर एमवे बंटाई को डिस करा है जिसमें जादू भी है। सो किंग वाले सीन का तो आप सबको पता ही है कैसे स्टार्ट हुआ था। सो आज से कुछ महीने पहले किंग ने अपने एक इंटरव्यू में इंडिपेंडेंट और लेबल की भसड़ की बात की थी, जिसके बाद एमवे बंटाई को वो चीज भाई काफी गलत लगी थी, जिसके बाद एमवे बंटाई ने इसको अपने इंडिपेंडेंट सॉन्ग में रिप्लाई दिया था। और इंडिपेंडेंट वाली भसड़ सबसे बड़ा सर होक्स है जो मार्केट में फैलाया गया है, जस्ट टू एस्टैब्लिश। कुछ आर्टिस्टों ने खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए ये होक्स क्रिएट कर दिया एक साइड पे कि भाई ये है ऐसा ऐसा नहीं। इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल, ये कोई होक्स नहीं, तूने इंडिपेंडेंट क्योंकि पूरे 2 महीने के इंतजार के बाद किंग भाई ने सोचा कि क्यों नहीं अपने एक एल्बम को चलाने के लिए एमवे बंटाई को डिस करा जाए। तो आज इनका एक एल्बम आया है जिसका नाम है मोनोपोली मूव्स, जिसके अंदर एक सॉन्ग है जिसमें जादू भी है। सो उसी सॉन्ग के अंदर एमवे बंटाई को इसने डिस करा है। तो जैसा कि आपने सुना, लिंक भाई बोलते हैं कि यूट्यूब के रैपर ने जिस दिन किया मुझे खाली बैठे बेवजह डिस, उसी दिन मैं घुसा राजा अंडर 30 एशियन फॉर्ब्स के लिस्ट। अभी तो इस बंदे ने एमवे बंटाई को एक यूट्यूब रैपर बता दिया है, लेकिन किंग भाई को मैं यही बोलूंगा कि इस गाने में काउंटर किधर है। यूट्यूब के रैपर ने जिस दिन किया मुझे खाली बैठे यूं ही बेवजह डिस। चलो किंग भाई ने अभी तो एमवे बंटाई को डिस कर दिया, लेकिन आपको एमवे बंटाई का पता ही है, एमवे बंटाई जब भी डिस में घुसते हैं तो वो उस बंदे का करियर खत्म कर देते हैं। बाकी आप सबको क्या लगता है कि एमवे बंटाई का डिस आखिर कब तक आएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मैं मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले बाय बाय।